नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिनेश ट्रैवल ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं उम्बरदेव का। ये उम्बरदेव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर के बीच में स्थित एक मंदिर है, जो कि एक गुफा है। और यहाँ पे एक गुफा नहीं बल्कि दो गुफा है, लेकिन पहली गुफा से दूसरी गुफा 3 किलोमीटर के डिफरेंस पे है और वो बहुत गहरी है और उसके अंदर जाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा और आने के लिए 2 घंटे, क्योंकि चढ़ाई उतनी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम सिर्फ उम्बरदेव करेंगे और आपको अनुभारती ऊपर से दिखा देंगे, अगर हो सके तो। तो दोस्तों, उम्बरदेव के रास्ते में ये मैलगढ़ नाम का किला आता है। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक किला। मुझे इस किले का इतिहास तो कुछ पता नहीं है, लेकिन है तो बहुत पुराना किला। और ये है सातपुड़ा की पहाड़ियाँ और ये है बरानपुर साइड की पहाड़ियाँ। ये आदिवासी लोगों के घर और कुछ ऐसा नज़ारा है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं हम उम्बरदेव की गुफा की ओर।
तो दोस्तों अभी बहुत ही ख़तरनाक चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं उम्बरदेव के अमरनाथ की गुफा के पास। और चलिए आपको दिखाते हैं अमरनाथ की गुफा और आपको दर्शन कराते हैं अमरनाथ जी का। चलिए यहाँ भी देखिए दोस्तों बहुत खड़ी चढ़ाई है। देखिए दोस्तों कितनी खड़ी चढ़ाई और पहाड़ों के बीच ये गुफा और ये मंदिर बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये सातपुड़ा रेंज यानी सातपुड़ा के पहाड़। ये देखिए दोस्तों प्रकृति के झरने, क्या मस्त माहौल लग रहा है ना। कल कल बहता पानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दोस्तों देखिए यहाँ से नीचे है अमरनाथ जी की गुफा। शायद ये आगे से उसका रास्ता। यहाँ से ये देखिए दोस्तों यहाँ से है ये नीचे अमरनाथ जी की गुफा को जाने का रास्ता। और ये देखिए यहाँ से कल कल बहता पानी। और दोस्तों यहाँ का जो ये कुंड है ना पानी का, ये साल भर ऐसे ही निरंतर बहता रहता है। इसे ही कहते हैं यहाँ का गोमुख। और ये है जो यहाँ के महंत। अभी हम जूते उतारते हैं और महंत जी से कुछ बातें करते हैं। तो अभी हमने उतारे हमारे जूते और हम निकलते हैं दर्शन के लिए। आदेश महाराज जी, गुफा के बारे में आप बता सकते हैं कुछ? गुफा ये बहुत सालों की, मैं फिर भी कितनी कितनी पुरानी हो सकती है ये? क्या ये इसका कोई अंदाज नहीं है। ये जो है हाँ। महाराज से पहले हाँ। उसके पहले भी महात्मा आके चले गए हाँ। उसकी कोई सालगिरह कोई बता ही नहीं सकता। और इस जगह की यानी ये क्या खासियत क्या है? खासियत यहाँ पे आदि माँ शक्ति का जो स्वरूप रहता है पार्वती माँ, उनकी गुफा ऊपर है। उसके ऊपर गणेश जी है हाँ, गणेश जी है। नीचे अमरनाथ जी है
नीचे अमरनाथ जी है। हाँ। अभी होंगे अमरनाथ जी के दर्शन। हाँ। और ऊपर अभी गुफा चालू है दर्शन की। तो महाराज जी हमें दर्शन के लिए ले चल रहे हैं अभी। ये है दोस्तों उम्बरदेव गुफा जो सातपुड़ा पर्वत में स्थित है। देखिए महाराज जी, आपका शुभ नाम? सत्यपाल गिरी। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर ऐसी कंदराओं और गुफाओं में हमारे ऐसे महंत साधु संत और ऋषि मुनि ही रहा करते हैं। लाइट ला लो महाराज। हाँ, लाइट चालू है। ये जी उम्बरदेव की गुफा। एक छोटी गुफा है ये, छोटी गुफा बहुत दूर है अंदर। फिर भी कितनी बड़ी होंगे महाराज जी? उसका कुछ अंदाज नहीं, अंदर तो गए जी नहीं, क्योंकि जाने के लिए रास्ता ही नहीं। ओके, और अंदर है आपका। और ये महाराज जी की ये धुनी। सदानंद महाराज जी की ये धुनी है। हाँ, निरंतर चलती रहती। हाँ, 12 महीना हम करेंगे अभी दर्शन। और ये तुम्हारा जो दफ्तर है ना। हाँ, ये जरा सा। हाँ, एक मिनट। अब दोस्तों हमारी बैग रखते हैं पीछे। दोस्तों देखिए ये गुफा कितनी सक्रिय है। अभी सिर को लगेगा। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ये उम्बरदेव की गुफा के अंदर। धीरे धीरे आ जाओ, रास्ता छोटा रहता है। हाँ, बहुत रास्ता छोटा है अभी। ये सब पत्थर है महाराज है ना? इस पत्थर का कोई बता नहीं सकता है। नहीं। ये है माता का पार्वती। ये देखो दोस्तों, ये माँ पार्वती जी का विग्रह है। वो क्या है? अंदर उसका लिंग है। हाँ, ये शिवलिंग है। पीछे माता के शिवलिंग है। और दोस्तों टॉर्च तो मेरी नहीं हो रही है अभी शुरू, तो आपको मैं बस इतना ही दिखा सकता। अपनी स्टार बताओ क्या लाओ क्या स्टार मंगल महाराज जी हमको दिखा रहे हैं अभी ये अंदर का शिवलिंग। दिखाइए महाराज। ओह, ये अंदर। हाँ हाँ, देखा सेम अमरनाथ की तरह। क्या पूरे अंदर से दोस्तों आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए मुझे तो दिख रहा है एकदम अच्छी तरह से वो शिवलिंग। ये बड़ा जी ये बड़ा वाला शिवलिंग। और ये गुफा महाराज कितने अंदर तक है फिर भी? ये क्या? हुँ? ये देखो यहाँ पे खड़ा रह सकता है। बस तो गुफा भी बहुत गहरी है और अंदर से तो मार्बल लगे हुआ, इसे पूरा मार्बल की गुफा है अंदर से। और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पेड़ की ये रहती ना, क्या बोलते मुला जड़, उस टाइप का लग रहा है। ये देखो ऐसे गुफा रह क्या। देखिए चमगादड़ भी यहाँ पे, ये कितनी खतरनाक गुफा है देखो। देखिए दोस्तों यहाँ पे चमगादड़। यहाँ से भी पानी रिस रहा है ना। ऐसा अंदर से तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी गुफा है, यहाँ से पता नहीं कितनी दूर होगी। दोस्तों यहाँ पे जैसे अमरनाथ में दो कबूतर आते हैं, कबूतर का यानी जोड़ा रहता है, वैसे ही दो पंछी यहाँ पे आते हैं। महाराज ने जैसे आवाज़ दी वो यहाँ पे उड़ के आते हैं और यहाँ पे दाना चुगते हैं। तो फिलहाल अभी तो नहीं है यहाँ पे, अगर आए
तो हम आपको दिखा देंगे। ये महाराज जी का ही रहने का स्थान है ये। अभी तो पूरा अंधेरा है, और ये हम मेरे पीछे है धुनी, अखंड धुनी बोलते हैं। तो दोस्तों, महाराज जी से बातें करते करते मुझे अभी एक बात का पता चला है, जो मुझे भी खुद को पहली बार हुआ है जैसा पता। तो महाराज जी, आप क्या बोल रहे थे अभी यहाँ पे कि जो जामवंत है, जामवंत राजा हाँ, उनकी और हनुमान जी थे, दोनों का यहाँ पे मिलन हो चुका है, दोनों की यहाँ पे बातचीत भी हो गई, यहाँ पे रामचंद्र प्रभु आके चले गए, ऐसा स्थान है ये। यानी यहाँ पे प्रभु रामचंद्र आके गए हैं और बजरंगबली जो है अपने हनुमान जी, उनके और जामवंत जी की यहाँ पे मुलाकात हुई थी, जो इसके थोड़ा सा ऊपर है एरिया। तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसी भी जानकारी हमें मैंने अचानक ही मिल जाती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये ज्ञान हम हमारी आगे की पीढ़ी को बताए करके। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था जैसे कि ये दो पक्षी महाराज जी के पास में आते हैं और हाथ से खाना खाते हैं। देखिए, ये है वो पंछी, मुझे देख के डर गया लगता। देखिए, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए छोटी सी गिलहरी, ये भी खाने के लिए उससे उलझ रही है। और दोस्तों, एक खास बात है, इस पंछी का नाम है गंगा। और देखिए गिलहरी जरा भी नहीं डर रही है। नन्नी गिलरी,
बराबर। बस मस्त जमलं जमलं। दोस्तों झरने का पानी पी के एकदम तरोताजा महसूस कर रहा हूँ अभी। अब हम निकलते हैं घर की ओर। तो अभी दोस्तों हमने दर्शन करके मुंह हाथ धो लिए और अभी लेते हैं विदा। अभी सूरज ढलने वाला है, बस कुछ ही मिनट बाकी है अभी सूरज ढलने में। और आपको तो पता है रास्ता कैसा है। और ये है जी सातपुड़ा पर्वत। और यहाँ पे निकलते हैं जंगली जानवर। और कहते हैं यहाँ पे रोज शेर भी आते हैं। शेर नहीं, शेर का मतलब बाघ आते हैं, टाइगर आते हैं, टाइगर। तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा अभी। रास्ता रात में और भी खतरनाक हो जाएगा क्योंकि सामने कुछ दिखेगा नहीं। और देखिए दोस्तों यह महाराज जी की दूसरी कुटिया, शायद कोई और दूसरे महंत भी आए होंगे। देखिए हम आ गए अभी ऊपर और आपको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ का 360 व्यू। और ये अपनी दूसरी धन्नो, इसने भी मुझे बहुत साथ दिया है दोस्तों। अभी थोड़ी काम पे आइए। अरे मेरी कंघी गिर गई। तो दोस्तों चलो निकलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।